लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दलों में टिकट की दावेदारी को लेकर खींचतान का दौर शुरू हो गया है। खास तौर से बात करें बीजेपी की, तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने टिकट बंटवारे से पहले जो सर्वे कराया था उसमें कई सांसदों की सर्वे रिपोर्ट निगेटिव आई थी। ऐसे में माना जा रहा है बीजेपी मध्य प्रदेश में करीब एक दर्जन टिकट काटने की तैयारी में है। इसके अलावा 75 पार का क्राइटेरिया भी है, जिसके चलते पार्टी ने सूबे के दो दिग्गज नेताओं बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को टाटा बाय बाय कह दिया था और उन्हें मंत्री पद त्यागना पड़ा था। पार्टी के रुख से दोनों सरताज और बाबूलाल गौर बौखला गए थे। बाबूलाल गौर तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने से नहीं चूके। लोकसभा चुनाव में गौर एक बार फिर मुखर हैं और पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी मंशा हालिया बयान से साफ झलकती है। गौर का साफ कहना है उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं होती। एक बार दिल्ली भी देखना चाहते हैं, 10 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा देखी है, एक बार लोकसभा में भी भाग आजमाना चाहते हैं। इधर इंदौर लोकसभा सीट से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन फिर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई नेता 75 के फार्मूले के आधार पर उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल अमित शाह ने ही 75 का फार्मूला ईजाद किया था और शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई थी। और सबसे बड़ी बात, 2014 में जैसी मोदी लहर थी, इस बार परिदृश्य बदल चुका है। ऐसे में अपना किला बचाने के लिए बीजेपी टिकट बंटवारे में खूब खूब कर कदम रख रही है, लिहाजा कईयों के टिकट कटना तय है। जिसके लिए पार्टी 75 का फार्मूला लागू करती है या परफॉर्मेंस को आधार बनाती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़1। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है 75 का फार्मूला। आपको याद होगा कि जब 2014 में इलेक्शन हुए तो बात आई कि क्या 75 पार लोगों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन कई सारे ऐसे नेता थे जो 75 पार टिकट लेने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, तो फिर ये बात चलने लगी कि अब 75 पार के जो लोग हैं उनको मार्गदर्शक की भूमिका निभाना होगा, मार्गदर्शन करना होगा। और देखते ही देखते मध्य प्रदेश की विधानसभा से दो ऐसे नेता सरताज सिंह और बाबूलाल गौर को पद से हटना पड़ा, अपना मंत्री का जो पद था उसको छोड़ना पड़ा। और फिर 2018 के इलेक्शन भी सामने आए और वही 75 का फार्मूला देखने को मिला। हालांकि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर 75 पार लोगों को टिकट दिया गया और वो विधानसभा में चुनकर भी आए। अब पुनः एक बार लोकसभा का चुनाव सामने है। निश्चित है कि वही बाबूलाल गौर जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, जब से ऐलान हुआ है, तो उनके सुर बदलने लगे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने फिर एक बार अपना राग अलापना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि 75 पार को टिकट क्यों नहीं। 10 बार विधानसभा का चुनाव जीते, उसके बाद अब लोकसभा की तैयारी है। नज़र उन पर कांग्रेस की भी है, कई दफ़ा कांग्रेस को लेकर भी खासे चर्चा में रहे। जब दिग्विजय सिंह खुद उनसे मिलने जा पहुंचे, उनके बेटे ने उस पर सवाल खड़े किए, बेटे की भी मुलाकात हुई। फिर बाद में जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो भी उनसे मिलने गए। यानी ये सब ही जानते अच्छी तरह कि बाबूलाल गौर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों से संबंध है। लेकिन कुछ ऐसे नाम और हैं, चाहे सरताज सिंह की बात करें या फिर बात हम सुमित्रा ताई की करें, जो कि एक बार फिर इंदौर लोकसभा से भाग आजमा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग तय है कि वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में होगी। तो क्या माना जाए, क्या 75 का फार्मूला इस बार देखने को मिलेगा? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की युवा प्रवक्ता नेहा जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रवि खरे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अमित जी है युवा प्रवक्ता, युवा पैनलिस्ट कांग्रेस के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं नेहा जी के पास ही चलता हूँ। नेहा जी, 75 पार का जो फार्मूला है वो खूब चर्चा में रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो कम से कम बाबूलाल गौर साहब तो इस तरफ अपनी अहमियत जता ही देते हैं कि भले 75 पार हो गए हैं लेकिन उनमें ऊर्जा अभी भी युवा जैसी है और वो चाहते कि उनको टिकट मिल जाए। पर ये 75 का फार्मूला, क्या सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है और इस बार लोकसभा में बीजेपी की तरफ से 75 पार भी श्रेणी में खड़े होंगे? मनोज जी, देखिए, राजनीति में सबसे पहली चीज मुझे ये लगती है कि आदमी को टायर्ड नहीं होना चाहिए और जब तक वो खुद से टायर्ड फील ना करे तो रिटायरमेंट जो है वो स्वयं उसके हाथ में है। उसी प्रकार से चाहे बाबूलाल गौर जी हों या अन्य नेता हों जो 75 पार हैं या उससे कम उम्र के हैं, क्योंकि राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर महत्वाकांक्षा है
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में मजबूत है, कार्यकर्ता अपनी दावेदारी सामने रख सकता है पर अंतिम फैसला जो है वो संगठन बैठ कर लेता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें बाबूलाल गौर जी भी एक टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की एक महत्वाकांक्षा होती है, उम्मीद होती है। कल उमाशंकर गुप्ता भी उनसे मुलाकात किए और उसमें एक 75 पार का जो फार्मूला है वो बीजेपी हालांकि उस तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी ये थोड़े दिन बाद समझ आ जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन उमाशंकर गुप्ता का मिलना, बाबूलाल गौर के साथ बात होना और फिर ये कहना कि बाहरी व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये चुनाव से पहले 75 फार्मूले के साथ साथ पार्टी के अंदर ही दबाव की राजनीति शुरू हो गई? देखिए, सक्रिय राजनेता हैं दोनों और लंबे समय से भोपाल में अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते दोनों की जो उम्मीद है टिकट को लेकर वो बिल्कुल ठीक है, पर अंतिम फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा और जब तक एक संगठन का सम्मान करते हुए कार्यकर्ता अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, पर अगर कार्यकर्ता उसके विपरीत जाता है तो जरूर वो पार्टी के लिए एक गलत मैसेज है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है और जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता तब तक मांग करना उनका अधिकार है, पर एक बार जब टिकट वितरण हो जाता है तो वो सभी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व का पीछे चलकर जो एक केंद्र नेतृत्व को जिताने का एक संकल्प है उसमें काम करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बीजेपी में कम से कम ये तो कहा जाता है कि जैसे ही टिकटों का वितरण होता है टिकट से पहले जितनी भी मारामारी हो जाए, और ये तो हक बनता है हर कार्यकर्ता को, उसको टिकट मिले या ना मिले, टिकट लेने वाले कम हैं पाने वाले बहुत सारे हैं, तो किसी का टिकट कटता है किसी को मिलता है। रवि जी, 2014 का जो इलेक्शन था वो कुछ अलग था, मोदी की लहर थी और कुछ ऐसी बातें थी जिसके आधार पर ये लगातार लोग कह भी रहे थे कि शायद सरकार मोदी की बनेगी, बहुत अच्छी पोजिशन में मोदी होंगे, लेकिन धीरे धीरे कर जब चुनाव के परिणाम आए तो बहुमत की तरफ पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी और अपने बहुमत के दम पर सरकार भी बना ली। पर 2019 का जो इलेक्शन है वो अलग है, मुद्दों से बाहर है, जिन मुद्दों की चर्चा चल रही थी, बेरोजगारी की बात, नोटबंदी की बात, वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, मुद्दा कोई दूसरा हो गया राष्ट्रवाद की तरफ, और 75 पार की बात बीजेपी के अंदर खानों से खूब आती रही है, तो क्या इस बार 75 पार पर जाना मजबूरी हो सकती बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं, नेहा जी ने जो कहा ये इनकी पार्टी लाइन की बात हो सकती है, लेकिन मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नेहा खुद युवा हैं और अगर हम देखें तो युवा यंग इंडिया की हम बात करते हैं और जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे दावेदार फिर से एक बार मैदान में आ जाते हैं कि 75 पार वाले के हम तो अभी युवा हैं, हम कार्य कर सकते हैं। मैं इसी को जोड़ता हूँ, अगर सरकारी नौकरियों से अगर आप जोड़ कर देखें तो हमने 60 और 62 की रिटायरमेंट आयु क्यों रखी है, क्योंकि इसके पीछे व्यक्ति की कार्य क्षमता रहती है। सब ये मानते हैं कि कार्य क्षमता अगर 60-62 के बाद में आपकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, आप उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते। आज की राजनीति भी वैसी नहीं रही कि आप पहले की तरह घर में बैठ के राजनीति कर लें, आज राजनेता को घर घर द्वार द्वार और पूरे समय सक्रिय होना पड़ता है। ऐसे में अगर 75 पार वाले राजनेता फिर से मैदान में आते हैं और जीतते हैं तो वो क्या जनता का भला करेंगे, ये अपने आप में सोचा जा सकता है। मैं तो चीन की बात करता हूँ मनोज जी, चीन में ये स्पष्ट नियम बना दिया, कानून बना दिया गया है वहां पर कि 70 साल के बाद में राजनेताओं को रिटायर होना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप यंग इंडिया की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे लाना है, एक तरफ वंशवाद भी चलता रहता है और दूसरी तरफ 75 पार भी आ रहे हैं, तो फिर जो दूसरी लाइन के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो क्या करेंगे? तो बाबूलाल गौर भी ये तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे टिकट मिलेगी नहीं जो लगता है, तो क्या अपना इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाबूलाल गौर हमने विधानसभा में देखा कि उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि आगे चल के उनकी बहू जो है उनको टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और निश्चित रूप से ये प्रेशर की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस के लोग उनसे बराबर मिल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, जीतू पटवारी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी के प्रति समर्थन भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी मेरी पार्टी है और बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। चलिए, ये भी बड़ी गजब है, बाबूलाल गौर जैसे एकमात्र नेता है जो समय समय पर ये बता देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर हूँ, नरेंद्र मोदी बात भले करते रहो 75 फार्मूले के उस पर काम नहीं किया जाएगा, और आडवाणी खुद अपनी बात मनमाने में नाकाम रहे हैं, लेकिन बाबूलाल गौर कम से कम इसमें ठीक है। अमित, कांग्रेस के अंदर भी ऐसा ही कुछ फार्मूला है क्या?
देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि बीजेपी में 75 पार, तो ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो देखिए मनमोहन सिंह जी को अभी हमने प्रधानमंत्री बनाया और हमने कमलनाथ जी को भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, सचिन पायलट को भी हमने वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारी तो ये मंशा रहती है कि युवाओं का जोश और जो बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है उसका सामंजस्य बिठा के इस देश की जनता की सेवा की जाए। क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं बुजुर्गों का जो एक अनुभव रहता है जनता के बीच इतने सालों जुड़े होते हैं उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो बाबूलाल गौर हो, क्या वो 10 बार के विधायक। लेकिन आप एक युवा हो, आप ऐसी बात करेंगे तो आप लोग का क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पर पार्टी जगह देती है ना, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। हमने क्या सचिन पायलट जी को हमने डिप्टी सीएम नहीं बनाया? आपकी पार्टी हमने बनाया है। राहुल गांधी जी तो हमारे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कल्पना करिए कि मोतीलाल वोरा जैसे इतने सीनियर उनके साथ राहुल जी जो हैं वो अध्यक्ष रहे हैं और अशोक गहलोत जी भी हमारे कुछ दिन पहले तक संगठन महामंत्री थे। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, हम युवाओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं, हम बुजुर्गों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ये हमारी परिपाटी रही है। आपकी पार्टी में भी जयराम रमेश ये सवाल उठा चुके हैं कि 75 पार वालों को। अब उस मामले में जयराम रमेश जी अच्छे से अपना बयान दे सकते हैं, मैं तो अपनी। अच्छा, युवा होने के नाते क्या होना चाहिए, 75 पार को टिकट मिलना चाहिए? देखिए मेरी ये यदि मेरी व्यक्तिगत बात आप कहें तो मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि बुजुर्गों का जो एक सालों किए हुए संघर्ष रहता है और जनता के बीच जो उनकी पकड़ रहती है उसको आप मतलब नकार नहीं सकते हैं। आप युवा बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि हमारा देश युवा है। चलिए ठीक है, नहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि मेरी पार्टी में तो युवाओं को भी मौका दिया है ना जी। आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस ने ही युवाओं को मौका दिया, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है। नेहा जी, आपके यहाँ तो अब भले 75 पार की बात चल रही हो लेकिन खुद नरेंद्र मोदी 67 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, बाकी तमाम सारे जो लीडर्स है वो सीनियर है, पर 75 पार का जो फार्मूला वो चलता रहा, निश्चित रूप से चिंता तो बढ़ाता होगा आप जैसे लोगों को, युवाओं को, कि आखिर मौका कब मिलेगा। 75 पार में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, ताई फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद फिर एक बार सोच रही है कि सांसद बन जाएंगी, पार्टी के सामने क्या ये दिक्कत है इस बार की जिताऊ उम्मीदवार चाहिए और जिताऊ उम्मीदवार के लिए भले पहले कुछ नियम बना दिए हों लेकिन अब उनको सबको दरकिनार कर दिया जाए? मनोज जी देखिए, जब भी कोई भी राजनीतिक दल जमीन पर उतरता है चुनाव लड़ने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी क्या सारे चीजें, समीकरण क्या बैठेगा जिससे कि जो कैंडिडेट जिसको उतारा जा रहा है वो चुनाव जीत कर आए। उन सभी समीकरणों को देखते हुए पार्टी कैंडिडेट को उतारती है जमीन पर। अब वो बुजुर्ग भी हो सकता है और युवा भी हो सकता है, बुजुर्गों का अपना अनुभव है, युवाओं की अपनी एक सोच है, तो दोनों का जब मिश्रण होता है तो उसके साथ ही पार्टी अपना जो है कैंडिडेट को जमीन पर उतारती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बहस का। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं तो उनका कुशल नेतृत्व आपने देखा है, जनता में आपने उनकी चाहत देखी है, 2014 की एक लहर देखी है जो मीडिया ने दिखाई थी कि 2014 में किस प्रकार से मोदी लहर थी। आज भी अगर देश में हमने कुछ कर दिखाया है, राष्ट्रवादी जो हमारी छवि थी उसको हमने स्थापित करके दिखाया है, जिसपे सवाल लगातार उठते रहे थे उसको अगर हमने स्थापित करके दिखाया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारे जो सवाल हैं ये बहुत पीछे छूट जाने चाहिए थे कि 75 पार कैंडिडेट होगा कि युवा होगा कि कौन होगा। लेकिन नेहा जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी का जो संदेश है, पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लाभार्थी हैं जमीनी स्तर पर, उन तक जो योजनाएं पहुंचाने का काम कौन कर सकता है, किसका कनेक्ट है जमीनी स्तर पर, कौन लोगों में लोकप्रिय है, ये सारे मुद्दे जो हैं वो अहम होते हैं ये एज फैक्टर से ज्यादा। नेहा जी, आप एक अच्छी प्रवक्ता है, आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है और निश्चित रूप से पार्टी की लाइन है तो आप उस तरफ बोलेंगे, लेकिन 75 पार की जब हम बात करते हैं तो हम आडवाणी को भूल जाते हैं, हम मनमोहन हम जोशी जी को भूल जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि मार्गदर्शन मंडल में उनको रख दिया जाता है और कहाँ है किसी को पता है? आपको भी शायद, मुझे लगता है कि बात जरूर होती रहती होगी लेकिन कहाँ गए वो सीनियर लीडर? पुनः एक बार लोकसभा आई है तो सबकी याद आने लगी आपको। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे कहा कि सभी का सम्मान किया जाता है, हर कार्यकर्ता यहाँ पर नेता है,
नेता अपने आप प्रकट नहीं होते हैं, और अगर कोई किसी की आयु बढ़ गई है तो उनके मार्गदर्शन की भी हमें आवश्यकता है। ये नहीं कि उन्हें दरकिनार करके घर बैठा दिया गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि 75 पार वालों को आप टिकट क्यों दे रहे हैं, इसकी जगह तो युवा को देना चाहिए, इन्हें मार्गदर्शन मंडल में बैठाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई मार्गदर्शन दे रहा है तो आप कहते हैं मार्गदर्शन में क्यों है, इसे तो आपको चुनाव में उतारना चाहिए। भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य दल अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेगा या फिर अगर मगर की परिस्थितियों में चलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी तो इस बार की रणनीति साफ है कि 75 पार को टिकट मिले जाए। देखिए जो भी योग्य व्यक्ति होगा ये तो केंद्रीय जो समिति है वो तय करेगी कि योग्य कौन है। मेरे हिसाब से ये है कि जो भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके पास अपना एक मत है, उसकी अपनी एक सोच है, और अगर वो सोचता है कि वो काबिल है और चुनाव के लिए तैयार है, रिटायर्ड नहीं है, रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित ही उसे टिकट मिलना चाहिए और उसे उम्मीद भी होनी चाहिए जब तक टिकट का वितरण नहीं होता। चलिए बाबूलाल गौर साहब तो ये कम से कम कहते हैं कि टायर्ड रिटायर्ड की बात होती, वो अभी रिटायर्ड नहीं हुए, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन 75 पार की बात तो अब चल पड़ी और चलेगी। रवि क्या कहेंगे आप, जिस तरह से नेहा जी अपनी बात रख रही है लेकिन 75 पार की बात तो चलती रही। देखिए जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले का एक बयान था कि 75 पार के लोगों के बारे में भी हम सोचेंगे। लेकिन जहाँ तक ये नेहा जी जो बात कर रही हैं कि मार्गदर्शक मंडल जो हमारा बना के रखा है, चाहे वो आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लेकिन यहीं पर एक सवाल इनकी पार्टी के एक नेता यशवंत सिन्हा उठाते हैं कि हमारी पार्टी में 75 पार जो होते हैं उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। ये भी कुछ दिन पहले का ही यशवंत जी का बयान है। तो फिर कहाँ मार्गदर्शक मंडल है? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि मार्गदर्शक मंडल में आप सिर्फ नाम दे करके उनकी सलाह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि आप किस तरीके से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। नेहा जी देखिए अभी पिछले कई सालों में ऐसी कौन सी बैठकें हैं जिसमें आपने देखा कि अडवाणी जी वहां पर नहीं है, वो सिर्फ या नहीं, ये आपको कैसे पता कि वो दिखावा है कि वाकई में हम उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद पार्टी के साथ है, उनका जो अनुभव है वो पार्टी के साथ है? ये अगर मगर की परिस्थितियां राजनीति में नहीं होती है, राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल बने हुए हैं, और अगर कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा से चाहता है कि वो आगे बढ़े और टिकट की मांग करे तो ये जो पैरामीटर्स हैं उसको तो पार्टी अंतिम उस पे दौर पे तय करेगी कि किसे आखिर चुनाव में उतारना है और किसे नहीं उतारना है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी उन्होंने भी आपको एक से एक बड़े एग्जांपल दिए कि किस प्रकार से युवा को भी उतारा जाता है और वरिष्ठ जनों को भी उतारा जाता है। तो राजनीतिक दल इसी प्रकार से काम करते हैं। जो चुनाव जिताकर लाने वाला, सभी समीकरणों में बैठने वाला सही कैंडिडेट होता है उसे चुनाव में उतारा जाता है। लेकिन 75 पार की बात के अलावा यदि हम 75 पार के फार्मूले की बात कर रहे हैं, लेकिन 75 पार लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को नहीं झेला जाएगा। देखिए बाहरी की तो बात आप इस तरीके से देख लीजिए कि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अगर सलमान खान तैयार होंगे तो उन्हें इंदौर से हम उतारेंगे। क्या कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है कांग्रेस पार्टी में? क्या इंदौर क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है? या सुमित्रा महाजन जी से इन्हें डर लग रहा है? तो ये सारी बातें तो जो है वो आपको कांग्रेस पार्टी से पूछने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जो सही समय पे सही कार्यकर्ता समीकरणों में बैठता हुआ दिखाई देगा उसे भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। मनोज जी मेरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इनका जो मार्गदर्शक मंडल है सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस है, और आरएसएस साफ निर्देश दे चुका था कि 75 पार वाले नेताओं को टिकट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बार ये कवायद चल रही है कि 75 पार वाले नेताओं को टिकट दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता हैं 75 पार जो कि चुनाव जीत सकते हैं, और इस बार जिस तरीके का विपक्ष का तो इसमें कहीं चिंता भी है कि पार्टी की कि इस बार पहली जो पहला सवाल मेरा था वही मैं वापस बिल्कुल चिंता है, बिल्कुल चिंता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके ऐसे लोगों को सामने लाना चाहते हैं, भले वो 75 पार हो लेकिन वो जीतने वाले कैंडिडेट हैं तो उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अमित आपके पास तो 75 पार भी नहीं मिल रहे हैं, चाहे हम भोपाल की बात कर लें या इंदौर की बात कर लें, समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी आप करिश्मा कपूर की बात करीना कपूर की बात करते हैं, कभी चर्चा चलती कि सलमान खान मैदान में आ जाएंगे, तो आखिर कैसे? आप एक सपना भी देख रहे हैं कि इस बार के लोकसभा में हम 20 पार कर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं नेहा की बात का जवाब देना चाहूँगा। नेहा बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं और हमारी युवा साथी भी हैं,
और जिस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया कि बाहरी नेताओं को हम वो कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे ही पूछना चाहूँगा कि नेहा, आप तो बहुत अच्छी प्रवक्ता थी, आम आदमी पार्टी से भी कुछ महीनों पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हो, तो इस पे आपका क्या विचार है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या विचार है? आम आदमी, और दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 2014 में जब मार्गदर्शक मंडल बना था, 2014 से लेके अब तक मार्गदर्शक मंडल की स्पेशल मीटिंग कब हुई है कि हाँ आज जो है वो मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग लेंगे प्रधानमंत्री जी, मुझे बताइए आप, कभी हुई? अब वो तो नेहा जी कह देंगी मार्गदर्शक की कोई बैठक होती है क्या? नहीं, मीडिया 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 को सब पता होगा, मीडिया को सब पता होगा। आज ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि लोकसभा नहीं, में जैसा आपने बाहरी नेताओं को बताया ना कि हम दिग्विजय सिंह जी सलमान खान की मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं करिश्मा कपूर दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ लेंगे सलमान खान को लाने की बात कभी नहीं लड़ेंगी क्या? चुनाव आपके पास तो हमेशा से ही आकार रहा है नेहा, आप कभी नहीं लड़ेंगी क्या? आप सरकार चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि आप कभी नहीं लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव, उस मरिया जी को नहीं लेकर आए क्या? क्या वो दूसरे पार्टी से नहीं है? आपके पास तो हमेशा से ही अकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास सबसे पहली चुनौती होती है कि आपस में सुपर सीएम से चर्चा करेंगे, कि सीएम से चर्चा करेंगे, कि महाराज से चर्चा करेंगे। अभी एक नई लड़ाई फिर से चालू होने जा रही है, सीएम रहेंगे व्यस्त अपनी विधानसभा चुनाव में, सुपर सीएम लेकर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए। आपके पास अंदरूनी कार्यकर्ता है नहीं, कांग्रेस के पास अपना कार्यकर्ता है नहीं, कभी सलमान खान को लाएंगे, कभी कटरीना को लाएंगे, कभी करीना को लाएंगे। भाई कांग्रेस पार्टी का अपना क्या आधार है? 70 साल पुरानी पार्टी है, आपके पास कौन से जमीन कार्यकर्ता है? मैं चुनाव के लिए नहीं उतर रही हूँ, आप यहाँ पे पर्सनल ना होकर पार्टी की जो विचारधारा है, आपकी पार्टी किसे लेकर आएगी उसके बारे में हमें जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, नेहा बोल रही है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी नेहा ने बोला है कि नहीं लड़ूंगी चुनाव, वो हमें तय कर लेने दीजिए। आप तो ये बता दीजिए कि आपके पास लोग नहीं है क्या? देखिए ये पूरा देश जानता है 1947 से लेके आज तक, और देश की आज़ादी में सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते इस देश की जनता के साथ यदि आज़ादी में योगदान किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 1924 में बनी आरएसएस के नेताओं का तो एक नाखून भी नहीं गया आज तक, इस देश में जितने लोग शहीद हुए हैं वो सब कांग्रेस के ही नेता रहे हैं हमेशा। तो इस देश का एक पुराना संबंध रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ परिवार हों या 125 करोड़ की जनता हो, इस देश को अपना एक परिवार मानकर काम करते हैं। रही बात युवा, जवाब तो दे दीजिए आपकी, सलमान करीना कैटरीना क्या क्या, ये क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं है? ये क्या अफ्रीका के लोग हैं? मुझे बताइए, हम तो मैं इसलिए तो वही जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ ना कि हमारे लिए तो पूरे 125 करोड़ लोगों को एक परिवार मानकर चलते हैं। और मैं तो नेहा जी को भी कहूंगा कि वो गलत पार्टी में शामिल हो गई, मैं तो कांग्रेस में उनका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। मुझे तो बड़ा दुख है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, बहुत अच्छी वक्ता है, दुख हो रहा है आपको, एक अच्छी प्रवक्ता मिल जाती है ना। और रही बात देखिए कि ये पूरा आपने 2014 में भी देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अपने पाले में ले आई है, मध्य प्रदेश में आप देखें तो कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष को किस तरीके से 2 घंटे में ये लोग लेकर आए थे। तो आया गया की प्रथा तो इनके यहाँ चलती है, आप यदि देखें भटक क्यों रहे, आया गया पे आ गए आप, नहीं बताएंगे, नहीं मैं बता रहा हूँ करता है कि नहीं चुनाव लड़ाने के लिए आखिर सलमान, अरे तो कौन लड़ रहा है, क्यों लाने की आवश्यकता? अरे यदि सलमान खान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में हमारी योजनाओं से प्रभावित होके तो क्या दिक्कत है? अरे तो आप तय करिए, देखिए ना 1 तारीख से 18 तारीख तक का कार्यक्रम में इतनी जल्दबाजी क्यों है? यदि गुजरात में अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं मध्य प्रदेश उसका गुजरात का, तो तब आपको दिक्कत नहीं होती है। यदि सलमान खान आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है आप जी? 75 पार से अब युवाओं की तरफ आ गया मेरा मुद्दा पूरा। मैं आपको फिर मेरा बात वही, आप कितनी बार भी पूछ रहे हैं, ये सबसे खूबसूरत एक तस्वीर जो है वो आपको कांग्रेस में ही देखने को मिल सकती है कि जहां पे 2 नेता आते हैं मध्य प्रदेश में आते हैं और वहां पे एक बुजुर्ग नेता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान एक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं, और राजस्थान में सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत जी की घोषणा करते हैं। बताइए और किसी पार्टी में ऐसा उदाहरण आपने देखा हो? तो हमारे यहाँ तो ये मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल नेहा जी से मेरा, नेहा जी चलिए 75 पार की बात चल रही है, अब ये तो तय हो गया कि 75 पार के लोग चुनाव मैदान में होंगे, कौन कौन होंगे ये थोड़े दिन बाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल सच है कि आरएसएस ये कह चुका था, लगातार ये चर्चा चलती रही थी, तो आपसे एक छोटा सा जवाब चाहता हूँ, क्या वास्तव में इस बार कुछ चिंता सता रही है?
मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस की जो खूबसूरती की बात थी ना, वो खूबसूरती हमने विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में देखी। किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं अपने खून से पत्र लिख रहे थे और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे थे, लाठियां मारनी पड़ रही थी, आपस में किस प्रकार से खींचतान थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कौन मुख्यमंत्री है और कौन सुपर सीएम है। तो ये जो चुनाव है सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये विधानसभा की तरह का चुनाव नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई भी चिंता करने का विषय ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 4.5 सालों में अपना कार्य करके दिखाया है, एक शर्मिंदगी की स्थिति में जो कांग्रेस ने छोड़ा था, महिलाओं के पास शौच करने के लिए शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं थी, माताओं के पास गैस सिलेंडर नहीं थे, धुआं रोज उनके अंदर जा रहा था, जिस प्रकार से आवास उपलब्ध करवाया है, जिस प्रकार से सैनिकों को बल प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार से हमने एयर स्ट्राइक की है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुसकर उनको मार के उनको खात्मा करने का कार्य किया है, तो पूरा जो देश का मूड है वो मोदी के साथ है और देश पूरा साथ जुड़कर कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सारा जो डर है ये कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। जो झूठी पैकेजिंग के साथ कांग्रेस आई थी मध्य प्रदेश में, अब उन्हें डर सता रहा है कि पहले तीन थे, हो सकता है पूरे के पूरे 29 से सफाया हो जाए। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, आप बोलती रहेंगी और जाहिर सी बात है कि एक अच्छे प्रवक्ता का ये काम भी होता है। पर ये जरूर है कि क्या क्या मुमकिन होगा और क्या नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा इस इलेक्शन में, क्योंकि 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है वो 2014 की तरह नहीं है। यहाँ मुद्दे बदले होंगे, एक मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक ही होगा कि चुनाव जीतना है, फिर चाहे 75 पार फार्मूले की बात हो या कुछ और। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 1।